हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी स्कूजी। आज हम लोग बनाने वाले हैं काकोरा पिठा। ये उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस पिठा है, स्वीट रेसिपी है। ये मैंने उड़ीसा का एक फेस्टिवल होता है रजो, 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें बनाया था। काफी सारे ओडिया रेसिपी बना के हमने ये रजो सेलिब्रेट किया था, तो मेरे बेटे को ये काकोरा पिठा बहुत ही पसंद आया, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने लिया है आटा, पानी, नमक, घी, तेजपत्ता और इलायची, थोड़ा सा सूजी, कोकोनट, शुगर और ऑयल डीप फ्राई के लिए। तो पहले हम लोग शुगर सिरप बना देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है शुगर में। शुगर मेल्ट होने के बाद उसमें मैं कोकोनट ऐड कर दूंगी। ये देखिए, अभी ये मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाला और उसमें मैंने कोकोनट डाला। तो इसी बीच हम लोग एक बर्तन में पानी गर्म कर देंगे। उसमें मैंने तेजपत्ता, थोड़ा सा नमक और घी डाला है और शुगर भी। अगर आप कोई पूजा के लिए बना रहे हैं तो नमक स्किप कर दीजिए। घी डालने से जो हमारा बैटर बनेगा, जो डो बनेगा, वो स्टिकी नहीं रहेगा। और अब मैंने थोड़ा सा आटा और सूजी लिया है और इसमें थोड़ा पानी मिला के मैं एक बैटर टाइप का बना दूंगी। लास्ट टाइम जब मैंने काकरा बनाया था तो मैंने बस आटे का वो बैटर बनाया था, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा सूजी ऐड कर, इससे वो काकरा पिठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने दोनों मिलाया है, ये देखिए। और अब हमारा पानी गर्म हो गया है। इसमें मैं, जैसे हम लोग उपमा को धार देते हैं वैसे ही देना है। और अब जो बाकी आटा है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जैसे हमने सेगडालू का बनाया था बस वही प्रोसीजर है फ्रेंड्स। इसको मिनिमम हमें 40 से 45 मिनट लो फ्लेम में स्टीम करना है। इसको आप जैसे उपमा बनाते हैं वैसे भी धार दे के बना सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसीजर थोड़ा इजी है और इसमें ये बहुत टेस्टी बनता है और कम मेहनत में भी बन जाता है। और दूसरी फ्लेम में हमारा ये कोकोनट बन रहा है, थोड़ा लाइट गोल्डन कलर में आ गया है। मेरे पास वो ग्रेटर नहीं था तो मैंने छोटे छोटे पीसेस करके उसको ड्राई ग्राइंड कर दिया। ये अभी हमारा बन गया है, इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे। और ये भी हमारा बन गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे पीसेस में कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई गुठली ना रहे, ऐसे। मैं इसको अभी ऐसे थोड़ा व्हिस्क से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो मिल जाए, देखिए। और थोड़ा सा हाथ में मैंने तेल लगा के इसको मैं अच्छे से गूंद रही हूँ ताकि एक चिकना सा डो बन जाए हमारा, इस तरह से। और अभी हम लोग लेमन साइज का डम्पलिंग मैंने लिया है और ऐसे साइड से ही मैं इसको पतला कर रही हूँ। बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रहेगा, नहीं तो हमारा स्टफिंग फ्राई करते वक्त निकल जाएगा। देखिए, ऐसे धीरे धीरे ही हमें हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है और बीच का थोड़े से हल्के हाथ से ही इसको प्रेस करके, थोड़ा मोटा ही रहेगा साइड से, ऐसे ही हमें बनाना है, इस तरह से। और अब थोड़ा सा स्टफिंग मैं अंदर डाल रही हूँ। आप ये विदाउट स्टफिंग भी बना सकते हैं। और इसको मैं कचौड़ी जैसे हम लोग सील करते हैं पूरा, वैसे ही कर देंगे। और उसको उल्टा करके हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है ताकि ये प्रॉपरली सील हो जाए। और इसी बीच मैंने तेल डीप फ्राई के लिए रख दिया है, ये देखिए। एक एक करके मैंने मीडियम फ्लेम में अभी इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। आप ये विदाउट स्टफिंग भी बना सकते हैं, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमारा यम्मी पीठा बन गया है, कितना क्रिस्पी बना है। तो अभी ये बनाइए।